तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक इमेज ली है। इस इमेज में ये वर्ल्ड मैप एक्चुअली ग्लोब है आपका। तो ग्लोब में मैंने आपको मेनली जो मतलब हाईलाइट किया है वो मैंने किया है, यहाँ पर इंडिया को हाईलाइट किया है। तो आप देख सकते हैं इंडिया जो है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो ये नीचे का जो है सदर्न हेमिस्फेयर में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये जो सदर्न अमेरिका है इसके कुछ कंट्रीज हैं जैसे अर्जेंटीना हो गया, चिले हो गया और ये साउथ अफ्रीका वगैरह हैं। तो ये सब कहाँ पर आते हैं? आपके सदर्न हेमिस्फेयर के कंट्रीज हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड वगैरह सब सदर्न हेमिस्फेयर में है, अंटार्कटिका सदर्न हेमिस्फेयर में है, ऊपर आर्कटिक सी है और ये यूएसए कनाडा ये सब नदर्न में है, सब नदर्न में है। और हमारा इंडिया भी जो है वो भी नदर्न हेमिस्फेयर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और ये मेनली आपका है, देखिए चार मेन ओशियंस है दुनिया का। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। तो ये सारा जो वाटर है ये है पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा और सबसे डीपेस्ट ओशियन वर्ल्ड का। सेकेंड जो लार्जेस्ट है, बिगेस्ट ओशियन है, दैट इज अटलांटिक ओशियन। तो दोनों नॉर्थ और साउथ अमेरिका और इधर से यूरोप और जो अफ्रीका है, वेस्टर्न अफ्रीका, इसके बीच का जो पानी है, ये जो वाटर बॉडी है, इसको अटलांटिक ओशियन बोलते हैं। और इधर जो ये सारा का सारा वाटर बॉडी है इसको इंडियन ओशियन बोलते हैं, इंडिया के नाम पे ही इस ओशियन को इंडियन ओशियन बोलते हैं। और फोर्थ जो ओशियन है, और इंडियन ओशियन थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है, फोर्थ ओशियन जो है दैट इज आर्कटिक ओशियन। एक आर्कटिक ओशियन है जो नॉर्थ पोल के नॉर्थ पोल पे पड़ता है। फिर यहाँ पर सदर्न ओशियन है जो इधर जो अंटार्कटिका है इसके पास पड़ता है। तो ये मेन ओशियंस हैं। तो आप सीक्वेंस में इसको लिख लीजिएगा नोटबुक में, लार्जेस्ट सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक, सेकेंड लार्जेस्ट अटलांटिक, थर्ड लार्जेस्ट इंडियन ओशियन, फोर्थ लार्जेस्ट आर्कटिक, फिफ्थ लार्जेस्ट सदर्न ओशियन। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है आपका कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो चीज़ मैंने अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में सेकंड स्लाइड में बताई थी ना, वही यहाँ पर ग्राफिकली यहाँ पर दिखाया हुआ है कि देखिए 8 degree 4 लॉन्गिट्यूडनल हो गया, 37 degree 6 एंड 68 degree 7 minutes एंड 97 degree 20। बच्चों देखो आपको ये जो मेजरमेंट है इसको याद करना है क्योंकि हमें अपने देश का पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, बट आप इसको याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिख भी लेना, इनफैक्ट कहीं से मैप मिलता है, नहीं भी मिलता तो इंडिया का मैप उठाना, मैप लाना जब भी बाजार ये सब सिचुएशन ठीक होती है, मैप लाना, उसमें सब चीजें ऐसे ही ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ये आप ही के पास रहेगा लेक्चर, तो सब से ही इसको आपको बनाना है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, अब ये जो लाइन है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये क्या बता रहा है? ये इसका कितना, कितना किलोमीटर है, कितना लंबी लाइन है? ये है 3214, थोड़ा ब्लर हो गया है, मैं लिख देती हूँ आपको, 3214 किलोमीटर। यानी कि जो नॉर्थ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, सबसे सदर्न पॉइंट है, ऊपर जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर से सदर्न जो कन्याकुमारी है उसकी दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। फिर आता है ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट मतलब आपका जो गांधीनगर है, गुजरात है ये, और सॉरी वेस्ट, वेस्ट सॉरी बच्चों, वेस्ट है ये गुजरात गांधीनगर, और ईस्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि सबसे ईस्टर्न से सबसे वेस्टर्न की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो कहाँ की दूरी ज्यादा हुई? इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है या लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है? इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज्यादा है, यानी कि ये यहाँ से आपको नॉर्थ से साउथ जाने में ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जाने में, ठीक है। तो ये वाला दूरी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आता है, अब देखिए जो 37 डिग्री 6 है और जो 8 डिग्री 4 है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? करीब 29 डिग्री का डिफरेंस आता है यहाँ पे। और यहाँ पर जो है ये 68 से लेके 97 तक, ये भी आपको 29 का आता है। तो हम ओवरऑल इसको ऑन एन एवरेज 30 मान के चलते हैं। तो यहां से यहां पर और यहां से यहां पर करीब आपका 30 मिनट्स का मतलब डिफरेंस आता है। तो 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है? अर्थ जो है वो अर्थ जो है वो 15 डिग्री घूम जाती है एक घंटे में, ठीक है। तो 30 डिग्री कितने में घूमेगी? दो घंटे में। तो ये जो डिफरेंस है ना 30 डिग्री का, तो यहां से यहां तक, यानी कि अगर मान लीजिए आप यहाँ रहते हैं, अरुणाचल में रहते हैं, आसाम इधर की साइड रहते हैं, अब अर्थ कैसे मूव करती है? अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट,
है ना, अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। सूरज कहाँ पर निकलता है, सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है, जापान में। जापान को उगते सूरज की धरती बोलते हैं, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो यहाँ मान लीजिए जापान है कहीं, वैसे जापान इधर की मतलब ईस्ट में इंडिया के, तो जापान में निकल रहा। अब अर्थ जो है वो ऐसे घूम रही है, तो सन की रोशनी जो है लाइट है वो ऐसे ही तो आती रहेगी, तो सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले सवेरा मॉर्निंग कहाँ पर होगी, अरुणाचल प्रदेश में। फिर जो जो पार्ट अर्थ घूमते घूमते जो जो पार्ट सन के सामने आएगा वहां पर सन की लाइट मिलती रहेगी और वहां पर सुबह मॉर्निंग होती रहेगी, ठीक है। तो अब देखो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सुबह होती है और वहां पर गुजरात में मतलब सबसे लास्ट में सुबह होती है, उसके बाद फिर अर्थ से निकल के सूरज कहाँ चला जाता है, आगे के जो देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और वेस्ट एशिया, सऊदी अरब जो देश है ना यहाँ पर चला जाता है, चला, ठीक है। अर्थ अर्थ घूमती है, सन नहीं कहीं जाता, अर्थ घूमती है। तो मतलब जो जो पार्ट उसके सामने आता है वहां पर लाइट शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या, तो यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है ना वो 2 घंटे का डिफरेंस आता है। लेकिन अब आप कहोगे कि मैम अगर मान लो आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड अगर आपका आसाम या अरुणाचल प्रदेश में रहता है, आप उससे पूछो क्या टाइम हो रहा है, वो कहेगा 9 बज रहा है। आप अपनी घड़ी में देखोगे तो 9 बज रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है, ये देखिए ये लाइन जो है स्टैंडर्ड टाइम को शो कर रही है, हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो एक ही लिया हुआ है हमने, इंडिया, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST बोलते हैं। और ये कितना है, यहाँ पर ब्लर हो गया है ये, का जो मेजरमेंट है वो है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट्स। सॉरी बच्चों ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है अब आएगा। देखो 82 डिग्री 30 मिनट्स, 30 मिनट्स क्या आएगा, यहाँ पे ईस्ट आएगा, वेस्ट आएगा, ईस्ट आएगा, हम ईस्ट में है तो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट आएगा, ओके। तो इसको इस तरीके से लिखना है आपको, 30 मिनट्स ऐसे ही छोटा सा डैश डाल के, और ईस्ट जरूर लिखिएगा। अगर ये चीजें आपने मिस कर दी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, एकदम सब मेहनत बेकार कर दोगे आप अपनी, ठीक है। तो ऐसे इसको लिख दीजिएगा, तो 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है वो इंडिया का क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो हमने इसको क्यों लिया हुआ है, ताकि जो पूरा देश है वो एक ही टाइम को फॉलो करे। हालांकि ईस्टर्न जो इंडिया है, क्योंकि बेचारे देखो इनकी सुबह जल्दी हो जाती है, बेचारे पहले ही उठ जाते हैं क्योंकि रोशनी सिर पे पड़ जाती है तो बेचारे जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन गुजरात वाले तो सोए हुए होते हैं और राजस्थान वाले सोए हुए हैं, ये बेचारे उठ के अपना काम कर रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो यहाँ पर अक्सर मतलब एंशिएंट पुराने ब्रिटिश के टाइम से ही डिमांड आती रही है कि भाई हमें यार अलग से टाइम दे दो। इसको बोलते हैं चाय बगान टाइम। चाय बगान क्यों, क्योंकि यहाँ दार्जिलिंग है ना वेस्ट बंगाल में, आसाम में यहाँ चाय की खेती होती है ना, चाय की प्लांटेशन, खेती नहीं सॉरी प्लांटेशन होती है। तो वो लोग कहते हैं कि हम पहले उठ जाते हैं, हम ज्यादा मेहनत करते हैं, हमारे हम ज्यादा सनलाइट का यूज करते हैं, तो हमारा टाइम अलग होना चाहिए, हम आपसे काफी एडवांस से आगे हैं। लेकिन इंडिया में एक ही टाइम है, वो क्यों है, क्योंकि इंडिया उतना डेवलप नहीं है जैसे अदर कंट्रीज है, जो भी यूरोपियन कंट्रीज है और जैसे एशियन कंट्रीज है और जो अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, इन्होंने लिए हुए हैं बहुत सारे, इनके 11-11 टाइम है, 5-5, 6-6 टाइम है एक देश में। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेटिट्यूडनल, बहुत ज्यादा बड़े बड़े देश है, चाइना है, रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, लेकिन इंडिया उतना बड़ा नहीं है। और दूसरी बात देखिए क्या है, पहला रीजन क्या है भाई, ये लोग बहुत लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब बहुत बड़े बड़े देश हैं। और दूसरी बात ये, इनके जो लोग हैं ना भाई, वो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, एडवांस्ड है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, सारे नहीं लेकिन मैक्सिमम है। इंडिया में क्या है, मैक्सिमम इलिटरेसी है। अभी जो 2011 का सेंसस हुआ इंडिया का, कितना है इलिटरेसी रेट, करीब 62% के आसपास है। तो क्या है 62%, कुछ भी नहीं है। और बाकी के क्या है, बाकी के क्या है, बेचारे वो इलिटरेट हैं, ठीक है। अच्छा लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है, कि भाई 7 साल का बच्चा कोई भी भाषा में लिखना और पढ़ना, सिंपल जो मैथमेटिक कैलकुलेशन होती है उसको वो आनी चाहिए। तो हम लोग अभी काफी पीछे हैं। तो अगर हमने 2-3 टाइम जोन ले लिए, मतलब 2-3 टाइम बना दिए, तो भाई लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, ट्रेन का टाइम किस हिसाब से चलेगा, मतलब पीपल विल कंफ्यूज। तो लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने एक ही टाइम लिया हुआ है 82.5 डिग्री। अब ये 82.5 डिग्री की जो ये जो लाइन है, ये कहां से क्रॉस होती है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। ये जो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, IST बोलते हैं शॉर्ट में, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, IST जो है भारत में, यूपी, यहाँ पर यूपी पड़ता है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, एरिया वाइज जो है राजस्थान है, बट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। 19 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। आपको मैं बता देती हूँ किसकी, यूएसए की पॉपुलेशन, यूएसए की पॉपुलेशन अभी उस दिन देख रहे थे, कितने लाख दिखा रहे, 2-3 कितने लाख दिखा रहे थे, 19 करोड़ इसकी है ना
यूएसए की पॉपुलेशन 39 लाख है, 39 लाख है, बताओ कहाँ यूपी, ठीक है। फ्रांस की पॉपुलेशन 7 या 8 लाख है, ठीक है, सोचो हम कहाँ है और वो कहाँ है, ठीक है। तो अपने यहाँ तो एक राज्य की पॉपुलेशन इतनी है कि अलग ही देश बना दे। तो यूपी के, यूपी में एक जगह पड़ती है छोटा सा, उसको बोलते हैं मिर्जापुर, ईस्टर्न यूपी में पड़ता है। तो मिर्जापुर से आईएसटी निकलती है, यानी कि ये लाइन जो है क्रॉस होती है। अच्छा, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। आईएसटी जगह मैंने आपको मेन बता दी, अभी आगे मैंने उसको मार्क वो भी किया है, उसकी फोटो भी दी है। मिर्जापुर से निकलती है, ठीक है, लेकिन कौन कौन से राज्य से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बुक में नहीं है आपकी। आईएसटी इंडिया के 5 राज्यों को क्रॉस करती है। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, सेकंड यहाँ पर आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है ओडिशा और फिर आता है आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से आईएसटी क्रॉस होती है, कॉपी में लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ओडिशा लिखिएगा, ओडिशा नहीं है उसका नाम, एंड आंध्र प्रदेश। 5 राज्य हो गए हैं जहां से आईएसटी क्रॉस होती है, ठीक है। और मेन मेन अगर जैसे मैंने मिर्जापुर बताया ना यूपी में, तो कौन कौन सी सिटी है, मिर्जापुर है, रामपुर है, कोरबा है और हांडी है, ये जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं या मतलब सिटीज है जहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रॉस होती है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद के जो फर्दर स्लाइड्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करती हूँ। ओके।